ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 की पहली सपला एकादशी की व्रत तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, विधि व्रत कथा व साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास कामों के बारे में। इसीलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सपला एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। यदि व्यक्ति के किसी कार्य में रुकावट आ रही हो तो उसे सपला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसे सपला एकादशी कहते हैं। कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के सुंदर स्वरूप की पूजा की जाती है। यह साल 2024 की पहली एकादशी है। इस एकादशी के दिन पूजा आराधना से व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है। आइए जान लेते हैं सपला एकादशी मुहूर्त। सपला एकादशी व्रत 7 जनवरी दिन रविवार से शुरू होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 जनवरी सुबह 12:42 से शुरू होगी। एकादशी तिथि समापन 8 जनवरी सुबह 12:46 पर होगी। एकादशी पारण 8 जनवरी सुबह 7:15 से शुरू होगी और 9:20 तक रहेगी। द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 8 जनवरी 11:58 पर। अब आइए जान लेते हैं सपला एकादशी पूजा विधि के बारे में। सपला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान श्री हरि के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करके जल दें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर भगवान श्री हरि जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान व आह्वान करते हुए पूजा अर्चना करें। पहले पंचामृत से उन्हें स्नान कराकर तिलक करें, फिर धूप दीप फल फूल और तुलसी पत्र मिलाकर पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद नारियल सुपारी आंवला हल्दी की गांठ व 2 लौंग भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर व्रत कथा पढ़े, श्री हरि के मंत्रों का जाप करे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करे, पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करे। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करे। आइए जानते हैं एकादशी पारण कैसे करे। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समापन हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोले। सपला एकादशी नियम। सपला एकादशी नियम अनुसार व्रत करने वाले व्यक्ति को संभव हो तो इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन चावलों का सेवन भी न करें। सपला एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पूजा पाठ के कार्य करने चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ या फूल पत्ते को भी नहीं तोड़ना चाहिए। सपला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नामक राजा थे। उनके 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्पक बहुत ही पापी था। वह अधार्मिक और देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा महिष्मान ने उससे परेशान होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लुम्पक जंगलों में जीवन निर्वाह करने लगा। एक बार वह पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं को कड़कती ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया कि इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हो। अनजाने में लुम्पक द्वारा सपला एकादशी व्रत संपन्न हो गया, जिसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक को राज्य धन संपत्ति समेत सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए। और दूसरे दिन सपला एकादशी के दिन उसे होश आया। वह भूख मिटाने के लिए पेड़ों से गिरे फल इकट्ठा करने के लिए चला गया। फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख कर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हो। अनजाने में लुम्पक द्वारा सपला एकादशी व्रत संपन्न हो गया, जिसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक को राज्य धन संपत्ति समेत सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए।